विम्फी प्रीमियर लीग के हर मुकाबले की पूरी जानकारी अगर आपको जाननी है, हर मुकाबले को अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स को कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, फाइनली बड़े अरसे के बाद दोस्तों आज फाइनली क्रिकेट की फील्ड पे वापसी हो चुकी है और दोस्तों आज खेला जाना है दोस्तों विम्फी प्रीमियर लीग VPL का दोस्तों मुकाबला होने वाला है, जो कि T10 लीग होने वाला है। और दोस्तों इसको स्पॉन्सर कर रही है वेस्ट इंडीज की टीम, यानी दोस्तों ये मुकाबले वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे, जो कि दोस्तों कोरोना वायरस के बाद दोस्तों पहला T10 लीग होने वाला है, यानी दोस्तों पहला लीग होने वाला है क्रिकेट का। और ये मुकाबले भारत के समय अनुसार पे दोस्तों 6 बजे, 8 बजे और दोस्तों 10 बजे आने वाले हैं, यानी दोस्तों एक दिन में 3 मुकाबले खेले जाएंगे। और दोस्तों इसकी जो शुरुआत है VPL की, जो दोस्तों शुरुआत है वो हो चुकी है दोस्तों आज, यानी दोस्तों 22 मई से लेके 31 मई को दोस्तों इसका फाइनल खेला जाएगा। और दोस्तों इसी के कड़ी में आज मैं बताने वाला हूँ इस लीग का दोस्तों आज के जो 3 मुकाबले होने वाले दोस्तों उसका सटीक एकदम दोस्तों प्लेइंग 11 बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फाइनली एक बार नजर डाल लेते हैं कि आज आखिर वो कौन कौन से टीम्स हैं जो कि मैदान पर उतरने वाली हैं। तो पहला मुकाबला दोस्तों खेला जाना है ग्रेनेडाइंस डाइवर्स वर्सेस साल्ट बॉन्ड ब्रेकर्स के बीच। और दोस्तों वहीं पे बात कर लेते हैं अब दूसरे मुकाबले की। तो दोस्तों दूसरा मुकाबला खेला जाना है लास आफ्रियर हाइकर्स वर्सेस बोनेटिक गाइडेंस रेंजर्स के बीच। और दोस्तों वही तीसरा मुकाबला डार्क व्यू एक्सप्लोरर वर्सेस दोस्तों फोर्ट शॉलेज स्ट्राइकर्स के बीच में खेला जाना है। और दोस्तों फाइनली अगर बात कर लेते हैं पहले मुकाबले की, दोस्तों पहला मुकाबला खेला जाना है डाइवर्स वर्सेस ब्रेकर्स के बीच में। और दोस्तों अगर इनके प्लेइंग 11 की बात कर ले तो दोस्तों डाइवर्स की जो प्लेइंग 11 रहने वाली है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार रहने वाली है। इसमें काफी बड़े बड़े खिलाड़ी हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि वेस्ट इंडीज के लोकल टैलेंट है दोस्तों वो सामने आने वाले हैं। और दोस्तों फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे टीम की। और दोस्तों दूसरे टीम का नाम है ब्रेकर्स। और दोस्तों ब्रेकर्स की टीम कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। और दोस्तों इसमें भी काफी अच्छे अच्छे दोस्तों वेस्ट इंडीज के लोकल टैलेंट हैं। और दोस्तों ये आज 6 बजे मुकाबले होने वाले हैं दोस्तों, वो भी वेस्ट इंडीज के मैदान पे। तो गाइस फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे मैचेस की। तो दोस्तों दूसरा मुकाबला खेला जाना है लास आफ्रियर हाइकर्स वर्सेस बोनेटिक गाइडेंस रेंजर्स के बीच। तो दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं हाइकर्स के दोस्तों प्लेइंग 11 की। दोस्तों हाइकर्स का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। दोस्तों फाइनली अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें काफी अच्छे अच्छे टैलेंट है, जो कि वेस्ट इंडीज से निकल के आ रहे हैं। और दोस्तों ये लगातार डोमेस्टिक लीग से खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली अगर हम लोग बात कर लेते हैं वही रेंजर्स के प्लेइंग 11 की, दोस्तों रेंजर्स का जो प्लेइंग 11 रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है, जो आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। गाइस ये है रेंजर्स के दोस्तों प्लेइंग 11 की बात। तो सर गाइस फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं मैच नंबर 3 की, जो कि खेला जाना है दोस्तों डार्क व्यू एक्सप्लोरर वर्सेस फोर्ट शॉलेज स्ट्राइकर के बीच। तो दोस्तों फाइनली अगर बात कर लेते हैं एक्सप्लोरर की टीम की, तो दोस्तों एक्सप्लोरर का जो दोस्तों प्लेइंग 11 रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, जो कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। दोस्तों इन खिलाड़ियों का नाम मैं इस वजह से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये काफी ऐसे ऐसे नाम है जो कि काफी ज्यादा दर्शक नहीं जानते हैं। खाई इसमें 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि काफी ज्यादा दोस्तों हाईलाइटेड हैं, और दोस्तों वो हैं केसरिक विलियम्स और दोस्तों सुनील एम्ब्रिस, जो कि इंटरनेशनल मुकाबले खेलते हैं वेस्ट इंडीज की ओर से। तो दोस्तों फाइनली अगर हम लोग बात कर लेते हैं अब स्ट्राइकर्स की दोस्तों प्लेइंग 11 की, दोस्तों स्ट्राइकर्स की जो प्लेइंग 11 रहने वाली है वो आपके स्क्रीन के सामने है। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से रहने वाली है स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11। तो दोस्तों ये थे वो आज के वो 3 मुकाबले जो कि खेले जाने हैं वेस्ट इंडीज के मैदान पे VPL प्रीमियर लीग, यानी दोस्तों विम्फी प्रीमियर लीग के नाम से दोस्तों इसे जाना जाएगा। और दोस्तों ये जो लीग होने वाली है दोस्तों वो काफ़ी बड़ी लीग होने वाली है, खासकर क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि दोस्तों ये जो लीग होने वाली है इसी लीग के अनुसार, जो कि 28 मई को होने वाला है दोस्तों ICC की जो मीटिंग होने वाली है दोस्तों, इसमें इसी लीग को देख के दोस्तों जो कि सभी देश की, जो सभी दुनिया की जो नज़रें रहने वाली है इस लीग पर रहने वाली है। दोस्तों इसी लीग के बाद ऐसे कुछ चेंजेस हमें क्रिकेट में देखने को मिलेंगे, जो कि 28 तारीख को सामने आने वाले हैं दोस्तों, जो कि ICC की मीटिंग होने वाली है। तो दोस्तों इस लीग को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें भारत में, तो दोस्तों ये भारत में इसे किसी भी चैनल पे लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो लीग होने वाली है वो एक वेस्ट इंडीज में होने वाली है। और दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की वजह से अभी सेफ्टी का दोस्तों ध्यान रखते हुए कोई भी ऐसा लाइव स्ट्रीमर नहीं जा सकता है वेस्ट इंडीज में। लेकिन दोस्तों मैं इसके एक एक मुकाबले की दोस्तों पूरे डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कल आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों आज के मुकाबले दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहने वाला हूँ दोस्तों, इसका मैं एक एक दोस्तों डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप अगर चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे तो दोस्तों सभी मुकाबलों का दोस्तों मैं एक एक बारीकी से आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो एनालिसिस के साथ।